इन दिनों बॉलीवुड में सबसे ज्यादा चर्चा में जो फिल्म है वो है नितेश तिवारी की रामायण। फिल्म को लेकर आए दिन नया अपडेट जारी रहता है। फिल्म के किरदार को जानने के लिए फैंस के बीच बस बना रहता है। रणबीर कपूर जहां भगवान राम का किरदार करने वाले हैं, वहीं साई पल्लवी को मां सीता और यश को रावण के रोल में देखा जाएगा। इसी के साथ स्टार कास्ट की नई अपडेट सामने आई है, जिसमें लक्ष्मण और कई किरदारों को लेकर स्टार्स का नाम सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो निर्देशक नितेश तिवारी अप्रैल में इस फिल्म की शूटिंग शुरू कर सकते हैं, जबकि फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट 17 अप्रैल 2024 को की जाएगी। इसके अलावा फिल्म में इंडस्ट्री के कई बड़े कलाकारों के जुड़ने की भी खबर सामने आ रही है। वीर कपूर, सई पल्लवी और यश के अलावा लारा दत्ता, सनी देओल, बॉबी देओल, रवि दुबे, इंदिरा कृष्णा, साक्षी तंवर और अमिताभ बच्चन जैसे स्टार्स भी फिल्म का हिस्सा होंगे। हालांकि इन चर्चाओं पर मुहर फिल्म के ऑफिशियल अनाउंसमेंट के बाद ही होगी। रिपोर्ट्स की माने तो नितेश तिवारी रामायण की पूरी टीम के साथ फिल्म की तैयारी में लगे हुए हैं। फिलहाल कलाकारों के लुक पर काम किया जा रहा है। चर्चा है कि फिल्म के ज्यादातर कलाकार धीरे धीरे जनता के बीच से गायब हो जाएंगे और फिल्म सिटी में अलग अलग सेट पर इसकी शूटिंग शुरू कर देंगे। चर्चा तो ये भी है कि डायरेक्टर नितेश तिवारी फिल्म के कुछ हिस्सों को लंदन में भी शूट करेंगे, जहां 60 दिनों का शूटिंग शेड्यूल रखा जाएगा। ऐसा भी कहा जा रहा है कि रामायण के लंका वाले हिस्से की शूटिंग लंदन में की जाएगी, जिसमें रणबीर के साथ सुपरस्टार यश भी शामिल होंगे। फिलहाल फिल्म से जानकारी के लिए ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार है। नितेश तिवारी अपनी फिल्म में भगवान राम से जुड़े हर पहलू को डिटेल में दिखाना चाहते हैं। ऐसे में वो किसी भी किरदार को मिस नहीं करना चाहते। रवि दुबे के बाद नितेश तिवारी ने राम की माता का किरदार निभाने के लिए भी टीवी एक्ट्रेस को ही अप्रोच किया है। रणबीर कपूर अपनी आने वाली फिल्म रामायण के लिए जमकर मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने न सिर्फ श्री राम के किरदार में परफेक्ट दिखने के लिए अपनी बॉडी पर वर्क किया है, बल्कि वो अपनी भाषा और अपने पोस्चर पर भी काम कर रहे हैं। रणबीर कपूर की हाल ही में एक फोटो सामने आई थी, जिसमें वो तीरंदाजी सीख रहे हैं। नितेश तिवारी की रामायण को एक नहीं बल्कि 3 अलग अलग भागों में बनाया जाएगा और इसकी शूटिंग जल्द ही शुरू होगी। वैसे वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई